नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने आप सभी के साथ कल भी सेम वीडियो शेयर करी थी, आपको बस एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं मैं इस वीडियो का। तीन स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बेच दो अगर आपके पास ऑलरेडी है। अलर्ट से मेरा मतलब है अगर ये शेयर टूटते हैं तो आप खरीदोगे नहीं और एवरेज नहीं करोगे। एक एक लेवल पर्टिकुलर शेयर करूंगा जहां अगर टूट के आ जाए तो फिर आप डेफिनेटली खरीदने के मौके ढूंढ सकते हो। और खरीदना भी केवल एक ही स्टॉक को है, दो स्टॉक्स तो मैं पूरी तरीके से अभी अवॉइड की राय दूंगा। स्टार्ट करते हैं एक एक करके, तीनों स्टॉक्स को शेयर करता हूं और रीजन भी आप सभी के साथ बता दूं। रीजन है इनके क्वार्टरली नंबर काफी ज्यादा खराब आते हुए दिखे हैं और इसी के चलते मैं इन स्टॉक्स को अवॉइड करने की राय दे रहा हूं। स्टॉक का पहले स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करें, निफ्टी का ये पार्ट है, शानदार कंपनी है, बहुत पसंद है मुझे। एफएमसीजी से केवल दो ही स्टॉक पसंद है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। लेकिन बात की जाए करंटली तो स्टॉक 4800 के लेवल्स पे फ्राइडे को क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,15,500 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 66% का है, इसीलिए ये स्टॉक पसंद है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 48.8% का है, इसलिए ये स्टॉक पसंद है। शानदार कारोबार है, जोरदार कंपनी है, रिटर्न्स के मामले में तो बहुत ही जोरदार है। अब यहाँ पे फिर क्यों कह रहा हूँ अलर्ट, फिर इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एज एन इन्वेस्टर मुझे बने रहना है, लेकिन अगर टूटता है तो अभी नहीं एवरेज करना। अराउंड 4500 टू 4300 मेरे लिए बेस्ट लेवल होगा एवरेजिंग का। लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करूंगा, गिरता रहता है स्टॉक, एक आध क्वार्टर खराब हो जाता है, अगले क्वार्टर में फिर बढ़िया हो जाता है। बट अच्छी बात यह कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता रहेगा स्टॉक। ट्रेडर्स के लिए पूरी तरीके से अवॉइड है। और इनकेस कल टूट जाता है तो आपको रीजन पता होना चाहिए, और नहीं टूटता है तो आप खरीदना मत कि यार ये तो टूटा ही नहीं, नंबर्स खराब है। आप 4800 पे खरीद लोगे तो फिर वो एक सही लेवल नहीं है आपकी बाइंग के लिए। लास्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे तब भी मैंने आपके साथ सेम चीजें शेयर करी थी, क्योंकि वो क्वार्टर भी मुझे रिजल्ट पसंद नहीं आए थे, उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम था। अब मैं आपके साथ अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो 455 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पेश करा है। लास्ट क्वार्टर 558 करोड़ का था, तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बड़ी डिप आई है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो 336 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 455 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 36% का जंप है। ये सब छोड़ो, बाजार का अनुमान 500 करोड़ के प्रॉफिट का था जिसके सामने काफी कमजोर नंबर रह गए हैं। तो मेरे को उम्मीद है इस स्टॉक में करेक्शन होनी चाहिए, और नहीं भी होती है तो इनकेस अगले 3 महीने में डेफिनेटली मुझे करेक्शन दिखती है लगभग 10% तक की। और उस 10% की करेक्शन पे आप एवरेज भी कर सकते हो, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। बट किस तरीके से, हैविली नहीं, स्टेगर्ड वे में, थोड़ा अभी थोड़ा बाद में, इस तरीके से। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 4023 करोड़ से घटकर 4011 करोड़ का हो गया साल दर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 3700 करोड़ के सामने 4011 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। पहला स्टॉक तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है जिसमें आप गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं, बट लेवल मैंने आपके साथ शेयर करा है 4300 to 4500 के समथिंग। दूसरा है भेल, इसको पूरी तरीके से मैं अवॉइड ही करूंगा। क्यों? रिटर्न ऑन इक्विटी 2% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 3% है, ऐसे स्टॉक से अवॉइड ज्यादा अच्छा है। इनका प्राइस छोटा होता है, वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, एनालिस्ट के रडार पे रहते हैं, आज खरीदो कल बेचो वाली खेल होता है, उस चक्कर में फ्रेश निवेश इनमें चला जाता है, लोग करने लगते हैं इनमें इन्वेस्ट, और यही कारण है कि ऐसे स्टॉक्स में लोग ट्रैप होते हैं। 100 रुपए से 60 रुपए का हो जाएगा पता नहीं चलेगा, 6-7-8 महीने तक वहीं घूमता रहेगा, और 60 रुपए से दोबारा 100 रुपए एक महीने में हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो उस बीच में जिसने पेशेंस खो दिया वो छोड़ देता है। इस तरीके के स्टॉक्स को मैं अवॉइड करने की राय ज्यादा देता हूं। अब इसके नंबर्स की बात की जाए तो वो भी काफी खराब आए। नंबर्स देख लीजिए आप, 611 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 344 करोड़ का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट से घाटे में आ गई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे 188 करोड़ से लॉस बढ़कर 344 करोड़ का हो गया है, तो घाटा काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो मुनाफे से घाटे में आ गई है। और अगर आप सेल्स देखें तो 8200 करोड़ की सेल 5000 करोड़ पे रह गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4500 करोड़ की सेल 5000 पे आ गई है, ये ठीक है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स को मैं माइनस ही दूंगा क्योंकि मार्जिन -7% में, इसलिए इस स्टॉक में पूरी तरीके से अवॉइड है, बिल्कुल नहीं लेना, गिरावट में भी नहीं लेना, एवरेज भी नहीं करना। बाकी आपकी पोजीशन है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं बाजार में जिनको आप अवॉइड करो वो बेटर होता है, ये अवॉइड लिस्ट में है, मेरे लिए शेयर बाजार में है ही नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ। एक ये हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, सुजलॉन हो गया, आर पावर हो गया, आर इंफ्रा हो गया, इनमें उछाल होता रहेगा उठापटक, लेकिन पैसा आगे चल के लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा, मैं अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ करता रहूंगा। अब थर्ड स्टॉक की बात की जाए तो ये स्टॉक तो अच्छा है बट रिटर्न बहुत बना के दे दिए हैं इस स्टॉक ने। एंड सेकेंड थिंग, इस बार के नंबर कुछ खास नहीं है,
स्टॉक का नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, 970 का प्राइस है। स्टॉक ने एक साल में आपको ऑलमोस्ट 60-70% के रिटर्न दिए हैं। नीचे से तो मल्टीबैगर बन गया ये स्टॉक, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आई है, बट इस बार नंबर कुछ खास नहीं आया और स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनी है, इसलिए अवॉइड की राय दूंगा इस समय। लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स का आप मौके ढूंढ सकते हैं और डिप्स अराउंड 600-700 रुपए करीब है तब। देखिए अभी कंपनी की बात की जाए तो प्रॉफिट आपका 13 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ का हुआ है, लेकिन इसमें 12 करोड़ का अदर इनकम है जिसमें से 7.5 तो एक्सेप्शनल है, तो ये 4-5 करोड़ का प्रॉफिट मान के चलो आप, सॉरी 11 करोड़ के प्रॉफिट का मान के चलो, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में डिप है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 21 करोड़ से घटकर 11 करोड़ हो गया है। हालांकि लास्ट ईयर भी मैं देख पा रहा हूँ एक एक्सेप्शनल आइटम आया है स्टॉक में और इसमें, लेकिन पूरा का पूरा अदर इनकम नॉर्मल अदर इनकम थी तो वो कोई इशू नहीं था, तो ये नंबर्स भी पसंद नहीं आए। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो पूरी तरीके से आपको अवॉइड करने हैं। ब्रिटेनिया को आप लॉन्ग टर्म पर्पज से बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।